ओम शांति। आप सबको स्वागत है आज के 26 अक्टूबर के शिव वर्तन में। आप सबका स्वागत है। वरदानों से पलना ये सबसे बड़ी बात है, पिता के द्वारा पलना ये भी बहुत बड़ी बात है, और गुरु के साथ में जो पालना मिलती है वो भी बहुत ही बड़ी बात है। लेकिन आज के वरदान में हम तीनों चीज़ों को आज हम कंबाइन करेंगे। परमात्मा कहते हैं, वरदानों की दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करने वाले सदा खुश नसीब भवा। जब कोई आपको पालना देता है तो आप जो चीज़ आपको देते हैं, चाहे वो घर हो, रोटी कपड़ा मकान हो, आप उन चीज़ों को यूटिलाइज करते हो। सिमिलरली यहाँ पे जो वरदान है उनको भी हमें यूटिलाइज करना है। जैसे करके वरदान में था, संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो। तो हमें ऑलवेज अटेंटिव रहना है कि हम कंप्लेन तो नहीं करने वाले नहीं है, हम किसी के जीवन में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करने वाले, बहुत किसी को खींचतानी करने वाले, क्यों क्या ऐसे नहीं वैसे नहीं, ऐसे करते तो ऐसे होता, ऐसे नहीं करते तो ऐसे होता, ये करना, खुद भी परेशान होना और को भी परेशान करना, ये चीज़ अगर हम छोड़ दें अपनी, तो हमें वो वरदान मिल गए परमात्मा से। बिकॉज परमात्मा के वरदान एक गाइडेंस है, एक रहने की कला है, एक तरीका है। और परमात्मा कह रहे, कंप्लेन करना बंद करो और कंटेंट हो जाओ, संतुष्ट मणि हो जाओ, जो कल हमने सीखा। इसी तरीके से परमात्मा कहते हैं कि बाप दादा संगम युग पर सभी बच्चों की तीन संबंधों से पालना करते हैं। पहला, बाप के संबंध से वर्षे की स्मृति द्वारा पालना, कि बच्चे मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हारा सुख शांति का जो वर्षा है वो तुम्हारा बर्थ राइट है, प्रोवाइडेड तुम परमात्मा की मुरली सुनो, तुम अमृत वेला करने की कोशिश करो, और दिन भर में किसी को दुख ना दो और सबको सुख दो, और अच्छी मीठी बातें बोलो, अच्छा सोचो, भला करने का सोचो। तो परमात्मा कहते हैं कि तुम जा करके सत्युग में चले जाओगे, जो कि तुम्हारा वर्षा है। शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, है ना, शिक्षक के संबंध से पढ़ाई की पालना, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी भी पढ़ा देते हैं हमें, पूरी दुनिया की, क्या हुआ, क्यों हुआ, कौन आया पहले, कौन कब गया, है ना, श्री कृष्ण कब आए, श्री रामचंद्र कब आए, सारा जो राज है हमारे सामने खुला छोड़ देते हैं। पढ़ाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड सबसे अच्छा कौन जानेगा, भगवान ही तो जानेंगे ना। फिर और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभव अनुभूति की पालना, और सतगुरु के संबंध से वरदानों के अनुभूति की पालना। जो हम हर दिन के यहाँ पे ब्लेसिंग्स या वरदान जो कर रहे हैं वो कौन देता है, एक गुरु ही वरदान देता है ना। तो परमपिता परमात्मा जो हो गए वो हो गए सारे दुनियावी गुरुओं के भी गुरु, जितने भी देवता हैं देवताओं के भी देव। तो वो हमें क्या करते हैं, वो हमें हर दिन वरदान देते हैं। एक ही समय पर सबको मिल रही है, ये जितनी भी पालना मिल रही है सबको मिल रही है, जो भी फॉलो कर रहे हैं ब्रह्मा कुमारी इसको। इसी दिव्य पालना द्वारा सहज और श्रेष्ठ जीवन का अनुभव करते रहो। मेहनत और मुश्किल शब्द की भी समाप्त हो जाए तब कहेंगे खुश नसीब। अगर हम कहते हैं कि बड़ा मुश्किल है, कि पता नहीं क्या करें, योग नहीं लगता, मेडिटेशन नहीं होती, ज्ञान समझ नहीं आता, समझ भी आता लेकिन पालना जो हम ले रहे हैं उससे हमारे अंदर परिवर्तन नहीं आता, अभी भी वही पुराने संस्कार हैं, तो परमात्मा कहते हैं इसका मतलब आप मेहनत बहुत कर रहे हो और आप मुश्किल शब्द की को इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे हो। तो उसको समाप्त करने का क्या तरीका है, वरदानों के ऊपर काम करना, कोई ना कोई वरदान पकड़ो, उसके ऊपर अपने जीवन को बदलना शुरू करो, कि आज से मैं संतुष्ट रहूंगी आत्मा, आज से मैं संतुष्ट रहूंगी आत्मा, ये कुछ दिनों की प्रैक्टिस करो, उसके बाद में फिर नेक्स्ट, उसके बाद में फिर नेक्स्ट, फिर कुछ और नई चीज़ पकड़ो, कोई और कमी को पकड़ो, उसको फिर चेंज करो। यही तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं कॉन्शियसली, नहीं तो पूरा जीवन खाने पीने कमाने सजने धजने और फिर शरीर छोड़ के जाने में हो जाएगा, फिर लगा अरे हमने पूरे जीवन करा क्या। तो ये सारी चीज़ें हम सीखते हैं ब्रह्मा कुमारीज में, क्योंकि हम अपने संस्कार लेके जाते हैं और सब कुछ छोड़ के जाते हैं, तो क्यों ना संस्कारों को अच्छा बनाए। अगर संस्कार ही हमारे साथ जाते हैं तो हम संस्कारों को अच्छा बनाए, ना कि सिर्फ संसार को अच्छा बनाए। संसार को अच्छा बनाना ना, घर बार अच्छा बना लिया, कपड़े वपड़े अच्छे बना लिए, गाड़ी बंगला अच्छा ले लिया, ये हो गया संसार अच्छा बना, लेकिन संस्कार अच्छा बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही हमारे साथ है, वही हमारे साथ जाएगा और सब कुछ यहाँ रह जाएगा। और ये करना कैसे, ये ब्रह्म कुमारी आपको सिखाती है परमात्मा के द्वारा गाइडेंस दे करके। ओम शांति इसके साथ।